एक बार देख लीजिए कल जो पढ़ाया था उसी के जस्ट आगे बढ़ूंगा फिर, कल जितना पढ़ाया था उसका एक बार अगले 5 मिनट में रिविजन करा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए कल समझे थे आप संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, इसको समझे थे आप। तो संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, इन पे कुछ प्रश्न भी देखने थे, एक आधी दो प्रश्न कल आपने देखा था। तो संख्या क्या होती है, सबसे पहले संख्या की परिभाषा को आप समझे थे। तो संख्या की परिभाषा एकदम सिंपल सा परिभाषा आपने संख्या का लिखा था, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में करते हैं। संख्या की परिभाषा को आप लिखे थे, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में करते हो, गिनने में करते हो, इत्यादि चीजों में करते हो। गिनने और मापने में बेसिक डिफरेंस क्या है, आपने बेसिक डिफरेंस समझा था। तो गिनने का मतलब हो जाएगा जैसे कोई वस्तु को गिनना, चेयर्स को गिनोगे आप, विद्यार्थियों की संख्या को गिनोगे, ये सब हो जाएगा गिनना, काउंटिंग। और मापने का मतलब जैसे हाइट को मापोगे आप, जैसे वेट को मापोगे आप, क्वांटिटी को मापोगे आप, डिस्टेंस को मापोगे आप, तो ये सब क्या हो जाएगा, मापना। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस था। तो संख्या की परिभाषा को आपने लिखा, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में करते हो, गिनने में करते हो, इत्यादि चीजों में करते हो। मापने का मतलब मेजरमेंट, हाइट को मापना, वेट को मापना, डिस्टेंस को मापना, क्वांटिटी को मापना। जैसे मान लो मेरा हाइट 172 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा मापना। मेरा वेट मान लो 75 किलोग्राम है, तो ये हो जाएगा मापना। जैसे रायपुर और बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा मापना। जैसे दूध की मात्रा 2.5 लीटर है, जैसे चावल की मात्रा 3.6 केजी है, तो ये हो जाएगा मापना। गिनने का मतलब काउंट करना, जैसे चेयर्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा चलेगा। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो कोई सजीव या निर्जीव वस्तु को आप काउंट करते हैं, वही क्या होता है, गिनना होता है। अब एक और डिफरेंस आपने क्या समझा था, आपने डिफरेंस ये समझा था कि ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं 2.5 3.67 4.252, ये जो डेसिमल वाले दशमलव वाली संख्याएं हैं इनका यूज मापने में हो जाएगा लेकिन गिनने में नहीं होगा। मापने में आप बोल सकते हैं 2.5 kg, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 किलोमीटर, लेकिन गिनने में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2.5 चेयर्स हैं या 2.5 लड़के हैं या 2.5 लड़कियां हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं इनका यूज आप मापने में तो करेंगे, गिनने में नहीं करेंगे। गिनने में केवल ऐसी संख्याओं का यूज होगा। ये संख्याएं गिनने में और मापने में दोनों में यूज होंगी, जबकि ये वाली जो संख्याएं हैं ये केवल और केवल मापने में यूज होंगी, गिनने में नहीं होंगी। ये आपने समझा। इसके बाद आपने संख्या का क्लासिफिकेशन देखा था, संख्या का वर्गीकरण। देखिए तो संख्या का वर्गीकरण आपने देखा था, आपने समझा था संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होगी, मुख्यतः दो प्रकार की, एक होगी वास्तविक संख्या और दूसरी होगी काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने समझाया था कल भी कि आपके सिलेबस में काल्पनिक संख्या नहीं है, फिर भी आपने समझा था काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं, तो सामान्य जीवन में जिनका कोई उपयोग ना हो, जो केवल कल्पना में हो, ऐसी संख्याओं को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इनको कैसे पहचानेंगे आप, तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं हैं तो ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे, काल्पनिक। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर संख्याएं हैं तो ऐसी संख्याओं को आप काल्पनिक बोलेंगे। इनको आई के रूप में भी लिखा जाता है, जहां पे आई का वैल्यू होता है वर्गमूल माइनस एक। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपने सामान्य जानकारी इसकी रखी है अपने पास में, कल्पना में हो, सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्याएं अगर हैं, इस प्रकार की संख्याओं को आप बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं, या इन्हीं को आई के रूप में लिख देते हैं, जहां पे आई का वैल्यू होता है वर्गमूल माइनस एक। काल्पनिक को छोड़कर जो आपके सिलेबस में है वो सब की सब क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की है, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल एंड इरैशनल। फिर आपने देखा परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। फिर आपने समझा पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम और विषम। इसके अलावा इन दो संख्याओं पर भी बात करेंगे बोला।
तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत दो प्रकार की, संप्राकृत और विषम प्राकृत। अब इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं आप कल देख लीजिए। प्राकृत संख्या को पढ़ लिए थे अपन, याद करो। प्राकृत संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। तो जो कल नहीं आए थे वो इतना ध्यान रखिए कि प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, एक से। प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होंगी। इनमें एक प्रश्न भी किए थे अपन, प्राकृत संख्याओं पर एक प्रश्न भी डील किए थे। तो जो कल नहीं आए थे वो इतना याद रखिए कि प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होंगी। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं उन्हीं को प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो ये एक से स्टार्ट होते हुए आगे चलेगी। डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे क्या इसमें? नहीं आएंगे, क्योंकि परिभाषा आपने क्या पढ़ी है प्राकृत संख्या की, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब डेसिमल वाले नंबर्स का यूज गिनने में नहीं होता है, इसका मतलब डेसिमल वाले नंबर्स प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगे। तो प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होगी। थोड़ा पीछे जाइए, जीरो को भी मिला दीजिए। जीरो को मिला देंगे तो संख्याएं क्या बनेंगी? पूर्ण संख्या। थोड़ा और पीछे जाइए, नेगेटिव नंबर्स को भी ले लीजिए शामिल। तो नेगेटिव नंबर्स को भी अगर शामिल कर लिए तो अब जो संख्याएं बनी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होगी। थोड़ा पीछे जाएंगे, जीरो को लेंगे तो पूर्ण संख्या। थोड़ा और पीछे जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स को लेंगे तो पूर्णांक संख्या। इसके बाद आपने समझा था कि प्राकृत संख्याओं में जो जो दो से भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा? सम। और जो जो दो से भाग नहीं जाएगा वो विषम। तो प्राकृत संख्याएं आपने पढ़ी हैं, ये हैं प्राकृत संख्याएं। अब इसमें जो जो दो से भाग जाएगा कौन कौन जाएगा? दो, चार, छह। तो जो जो दो से भाग जाएगा वो कहलाएगा सम, और जो जो दो से भाग नहीं जाएगा वो कहलाएगा विषम। एक, तीन, पांच, सात, नौ, ये सब विषम। इतनी संख्याएं आपने पढ़ी है। तो पूर्णांक संख्या का अभी फिर से उपयोग होगा। तो पूर्णांक संख्या को याद रखेंगे भाई। पूर्णांक क्या? इन सभी संख्याओं को याद रख सकते हैं आप, जो कल नहीं आए थे वो लोग भी। एक से स्टार्ट करिए प्राकृत संख्या, थोड़ा पीछे जाइए, जीरो को मिला दीजिए तो पूर्ण संख्या। थोड़ा और पीछे जाइए, नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दीजिए तो संख्याएं क्या बनेंगी? पूर्णांक। पूर्णांक में सब कुछ आ जाएगा। ये देखो, ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी। तो पूर्णांक में सब आएगा, ऋणात्मक भी आएगा, शून्य भी आएगा और धनात्मक भी आएगा। तो पूर्णांक का भी यूज करेंगे अपन। तो एक प्रश्न आपको बताया था, सीजी टेट का पूछा गया था प्रश्न वर्ग दो में, कि चार संख्याएं आपको दी गई हैं और बोला था इनको सीक्वेंस से जमाइए। आप अगर इन चारों संख्याओं को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो इन चारों को सीक्वेंस से जमाइए। क्या क्रम होगा पढ़ाने का? इसमें पहला क्रम क्या होगा? प्राकृत संख्या, एक से स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? जीरो से स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? पूर्णांक संख्या, नेगेटिव नंबर्स को भी ले लीजिए। और इसके बाद बारी किसकी आएगी? परिमेय संख्या की। इसके बाद बारी आएगी परिमेय संख्या की। सिंपल सा ये प्रश्न पूछा गया था वर्ग दो के एग्जाम में, सीजी टेट का वर्ग दो का पात्रता परीक्षा जो दिए थे आप, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। बनेगा यहां तक? तो जो कल नहीं आया था याद रखिए भाई, प्राकृत संख्या एक से, पूर्ण संख्या जीरो से, और पूर्णांक में नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। प्राकृत में जो जो दो से भाग जाएगा वो सम, और जो जो दो से भाग नहीं जाएगा वो विषम। बनेगा यहां तक? लिखिए परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में बहुत सारी बातचीत करनी है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं। तो यहां तक आपको पता होगा तब जाके परिमेय संख्या आपको समझ में आएगा। डाउट तो नहीं है कुछ यहां तक? ये देखिए, पढ़े थे प्राकृत संख्या, प्रश्न किए थे, इसके बाद पढ़े थे पूर्ण संख्या, इसके बाद आपने देखा था पूर्णांक संख्या को, ये देखिए, इसके बाद आपने सम और विषम को समझा था। चलिए परिमेय संख्या लिखिए। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। चलिए आप लोग बताइए क्या जानते हैं आप लोग परिमेय संख्या के बारे में? क्या बोल रहे हैं? हर नॉट इक्वल टू जीरो। चार बटा सात को परिमेय संख्या बोलोगे क्या?
बोलोगे? 12/5 को परिमेय संख्या बोलोगे क्या? बोलोगे? क्या लग रहा है? बोलेंगे? 6 को परिमेय संख्या बोलेंगे क्या? लेंगे? -3/2 को परिमेय संख्या बोलेंगे क्या? -3/2 परिमेय संख्या है क्या? है? है? 0 परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। चलो इसको देखो और बताओ तो 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। क्लासिफिकेशन को देखो और बताओ 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसको देख के तो लॉजिकल प्रश्न हो गया, रीजनिंग का प्रश्न हो गया। इसको देखो और बताओ 0 परिमेय संख्या में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जितना भी आपने कल पढ़ा है ना वो सब का सब क्या है? परिमेय है। जितना भी आपने पढ़ा है, ये देखो, जितना भी आपने कल पढ़ा है ना वो सब का सब क्या है? परिमेय। सारी प्राकृत संख्याएं क्या है? परिमेय। सारी पूर्ण संख्याएं क्या है? परिमेय। सारी पूर्णांक संख्याएं क्या है? परिमेय। तो कल जितना भी आपने पढ़ा, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं और सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं, ये सब की सब क्या है? परिमेय है। तो 0 परिमेय संख्या है। अच्छा, एक बात ये भी समझाया था कि आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। मतलब आपके सिलेबस में जो भी संख्या आपके सामने आएगी, या तो वो क्या होगी? परिमेय, या तो वो क्या होगी? अपरिमेय। मैंने बोला था 99.9% संख्याएं क्या दिखेंगी आपको? परिमेय। समझ आ रहा? गिनी चुनी संख्याएं बस अपरिमेय रहेंगी। आपने जितना भी कल पढ़ा वो सब का सब क्या है? परिमेय है। उसके अलावा और भी संख्याएं आएंगी परिमेय में। जितना कल पढ़े हैं वो तो आएगा ही परिमेय में, उसके अलावा और भी संख्याएं परिमेय संख्या में आएंगी। परिभाषा लिखिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। परिभाषा लिखिए, ऑनलाइन वाले परिभाषा लिखेंगे भाई। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो अब ध्यान से समझो, बचपन से ये तो पढ़ते आ रहे हैं कि P/Q का रूप होगा तो परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन यहां पर समझना होगा कि P/Q का रूप तो ठीक है, अंश बटा हर बोलते हैं इसी को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो P/Q का रूप तो ठीक है, लेकिन यहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स वैल्यू। P/Q का फॉर्म होना चाहिए जहां P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, इंटीजर्स वैल्यू हो। लेकिन एक अपवाद भी है कि नीचे 0 बस ना आए, क्योंकि नीचे 0 आएगा तो वो डिफाइंड नहीं होता है। चलो अब ध्यान से समझना, पी का मान रखा 2, क्यू का मान रखा 3, 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो 2 पूर्णांक है क्या? है। 3 पूर्णांक है क्या? है। इसीलिए 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। समझ पा रहे हैं? पी का वैल्यू रखा हमें -3, क्यू का वैल्यू रखा हमें 2, -3 पूर्णांक है क्या? है। 2 पूर्णांक है क्या? है। तो -3/2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। समझ पा रहे बात को? P/Q के रूप में जिसको भी आप लिख पाओ, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो 2 और 3 दोनों पूर्णांक है, इसीलिए 2/3 क्या है? परिमेय। -3 और 2 दोनों पूर्णांक है, इसीलिए -3/2 क्या है? परिमेय। देखो P का मान कितना? 4। Q का मान कितना? 1। तो 4 क्या है? पूर्णांक, और 1 भी क्या है? पूर्णांक।
नीचे एक का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो चार बटा एक कहने का मतलब चार भी क्या है, परिमेय संख्या। p का मान जीरो, q का मान दो, ऊपर में तो जीरो हो सकता है, नीचे में नहीं होना चाहिए, तो जीरो पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, तो जीरो बटा दो यानी कि कितना, जीरो, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। p का वैल्यू रखा मैं 13, q का वैल्यू रखा मैं 11, तो 13 पूर्णांक है क्या है, 11 पूर्णांक है क्या है, तो 13 बटा 11 भी क्या है, परिमेय संख्या। p का वैल्यू रखा मैं -8, q का वैल्यू रखा मैं 1, -8 पूर्णांक है क्या है, 1 पूर्णांक है क्या है, तो -8 बटा 1 यानी कि -8 भी क्या है, परिमेय संख्या। समझ आ रहा है, जिसको भी p बटे q के रूप में आप लिख पाओ, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक वैल्यू हो, उसको बोलोगे आप परिमेय संख्या। बस नीचे जीरो ना हो, ये मैथ्स में डिफाइंड नहीं होता है, नीचे अगर जीरो है तो ये मैथ्स में डिफाइन ही नहीं होगा, ऐसे नंबर्स कहीं पे मिलेंगे ही नहीं पूरे गणित में आपको। तो परिमेय संख्या की सिंपल सी परिभाषा है, जिसको भी आप p बटे q में लिख पाओ, जिसको भी आप p बटे q में लिख पाओ, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स, पूर्णांक वैल्यू, जिसको भी आप p बटे q के रूप में लिख पाओ, जहां p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, पूर्णांक में नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है, इसीलिए पूर्णांक को पहले पढ़ा जाता है, तो पूर्णांक में नेगेटिव वैल्यूज भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी है, तो p बटा q का रूप ठीक है, लेकिन p और q क्या होना चाहिए, तो p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, एक अपवाद है कि नीचे बस जीरो ना हो। तो p का वैल्यू कितना रखा हमने, 2, q का वैल्यू कितना रखा हमने, 3, 2 और 3 दोनों पूर्णांक है, इसी वजह से 2 बटा 3 क्या है, परिमेय, -3 और 2 दोनों पूर्णांक है, इसी वजह से -3 बटा 2 परिमेय, 4 और 1 दोनों पूर्णांक है, अब नीचे 1 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो 4 बटा 1 यानी कि 4 भी क्या है, परिमेय, 0 और 2 दोनों पूर्णांक है, 0 बटा 2 यानी कि 0 भी क्या है, परिमेय, 13 और 11 दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब 13 बटा 11 क्या है, परिमेय, -8 बटा 1 कहने का मतलब 8, -8 भी क्या है, परिमेय। जिसको भी आप p बटे q के रूप में लिख पाओ, वो सब का सब क्या है, परिमेय। तो कल जितना भी आपने पढ़ा, कल आपने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्याएं, ये सब की सब क्या है, परिमेय, क्योंकि इसको आप 1 बटा 1, 2 बटा 1, 3 बटा 1 लिख सकते हो। जितना भी आपने पूर्ण संख्या पढ़ा कल, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी क्या है, परिमेय, क्योंकि आप सबके नीचे में 1 लगा दो, p बटा q का रूप हो गया। जितना भी आपने पूर्णांक संख्या कल पढ़ा, जितना भी आपने कल पूर्णांक संख्या पढ़ा, ये सब भी क्या है, परिमेय, क्योंकि इनको भी आप क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो कल जितना भी आपने पढ़ा है वो सब का सब क्या है, परिमेय। तो जिसको भी p बटे q के रूप में आप लिख पाओ, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक, नीचे बस जीरो ना आए, ऐसी सारी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे, परिमेय। अब नीचे में माइनस हो सकता है, देखो 11 बटा -14, ये भी क्या है, परिमेय, 11 भी पूर्णांक है और -14 भी क्या है, पूर्णांक है, तो 11 बटा -14 भी क्या है, परिमेय। लेकिन गणित में ऐसा लिखा नहीं जाता, नीचे अगर माइनस साइन है तो आप उसको ऊपर भेज देते हैं, गणित में ऐसा लिखने का तरीका नहीं होता है, गणित में कभी भी नीचे माइनस साइन छोड़ते नहीं है, गणित के कुछ नियम है लिखने के, तो अगर नीचे में माइनस साइन आ रहा है तो आप उसको कहां भेज देंगे, ऊपर, तो ऊपर वाला पॉजिटिव साइन क्या बन जाएगा, नेगेटिव, या ऐसा समझो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो गणित के कुछ नियम है, अगर आपका उत्तर 11 बटा -14 आ रहा है तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, -11/14 मिलेगा, ये दोनों एक ही हैं, तो ऐसा लिखोगे तो ये परिमेय संख्या ही है, p बटे q का रूप, जहां p और q क्या है, पूर्णांक, बन जाएगा। समझ आ रहा है, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो जिसको भी p बटे q के रूप में आप लिख पाओ, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, q जीरो ना हो। एग्जांपल लिख लीजिए, कुछ और बातचीत अभी करेंगे परिमेय संख्या पे, यहां तक नोट करिए पहले। एग्जांपल्स लिख लीजिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो 2 और 3 दोनों पूर्णांक है, इसीलिए 2 बटा 3 क्या है, परिमेय। समझ आ रहा है, -8/1, -8 और 1 दोनों पूर्णांक है, इसीलिए -8/1 यानी कि -8, क्योंकि नीचे 1 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो -8 क्या है, परिमेय संख्या है। ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है, जितनी भी संख्याएं आप देख पा रहे हैं ये सब परिमेय है।
लिख लिया यहां तक 2.5 परिमेय है कि नहीं है, टू पॉइंट फाइव क्या है? नहीं है, 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 है। अगर परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा फिर, क्योंकि दो ही संख्याएं तो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर इसको आप परिमेय नहीं बोलोगे तो फिर अपरिमेय बोलना पड़ेगा, और अपरिमेय तो बोलोगे नहीं आप इसको, फिर परिमेय तो होगा ही। क्यों परिमेय है तो अभी बात करेंगे, डेसिमल वाले सारे वैरायटी को समझाऊंगा अभी, अभी इसको होल्ड पे रखो, डेसिमल वाले सारे वैरायटी पे काम कराऊंगा। देखना बार वाले डेटा, ऐसे डेटा देखे हो, ये कौन सी संख्या है, परिमेय क्या परिमेय, ये कौन सी संख्या है 2.3 का बार, अपरिमेय कि परिमेय, बताओ। ये 2.3 का बार, 3 पे बार लगा है ना, उसका क्या मतलब है? तीन 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 ऐसा चल रहा है, चल रहा है, तो क्या है ये, परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय परिमेय। चलो देखेंगे, इस पे बात करेंगे अपन, देखेंगे डेसिमल वाले सारे नंबर्स को समझाऊंगा अभी। यही सब कंफ्यूजन है भाई, लगता आसान है आप लोगों को, लगता आसान है आप लोगों को कि अरे चल रहा है, ये सब तो बहुत आसान है, लेकिन अभी दो ढंग का एग्जांपल पूछा तो आप लोग का उबासी दूर हो गया। अभी अभी लग रहा था कि ये सब क्या है यार, अभी दो एग्जांपल पूछा उसी में डाउट है आप लोग को कि परिमेय है कि अपरिमेय, कुछ पता नहीं है आप लोग को। तो जानकारी है आप लोग के पास लेकिन पूरी नहीं है, समझ आ रहा है, जानकारी रखे हो लेकिन पूरी जानकारी आप अभी नहीं रखे हो। देखो भाई समझो, तो जितना जानते हो उससे और भी ज्यादा चीजें हैं, समझ आ रहा है, और भी ज्यादा चीजें हैं। अभी मैंने बोला 2.5 क्या है, तो उसको लेके भी डाउट था कुछ बच्चों को, परिमेय होगा वो, लेकिन कुछ बच्चों को उसको डाउट था कि 2.5 परिमेय है कि अपरिमेय, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा 2.3 का बार था उसको, तो मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं, अपरिमेय, लेकिन है क्या वो, परिमेय। अभी कराऊंगा कैसे वो परिमेय है, तो डाउट रहते हैं उनको ही क्लियर करना है। पढ़े तो सभी हो भाई मैथ्स को, ऐसा तो नहीं कि बिना मैथ्स पढ़े आप 9th 10th पास कर लिए हो, पढ़ के तो सभी आए हो ना, 9th और 10th तो पास ही करके आए हो, मतलब मैथ्स को बेसिक तो पढ़ी हो आप, लेकिन बहुत पुराना हो गया, भूल भाल गए हो गए सब, थोड़ा मोड़ा जानकारी है भी उस उतने के दम पे एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, और वेटेज बड़ा है मैथ्स का, आप सभी को पता ही है, व्यापम के सारे एग्जाम्स में मैथ्स का वेटेज बड़ा है, और ऊपर ऊपर का जानकारी केवल रखेंगे और सोचेंगे कि एग्जाम निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा भाई, थोड़ा डीप आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बातचीत करेंगे अपन, लेकिन थोड़ा एक्टिव रहना भाई, वो बासी उबासी मत देना है क्लास में, समझ आ रहा है, वरना उत्पटांग क्वेश्चन कुछ पूछूंगा वो बनेंगे नहीं, तो उबासी दूर होगा आपका फिर। तो बासी वगैरह क्लास में मत लो, अच्छी से एक्टिव होकर बैठो, ताकि लगे ही पैसा दे के पढ़ने आए हो यार, अपने कैरियर के लिए पढ़ने आए हो, पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, उसका सदुपयोग करो थोड़ा सा। मैं अगर इतना एक्टिव होके पढ़ा सकता हूँ पैसा ले करके, तो आपको तो मेरे से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। मैं तो पैसा लेके पढ़ा रहा हूँ इतना एक्टिव होके, मैं चाहूँ तो थोड़ा सा आराम से बैठ के बातचीत करके खत्म कर सकता हूँ, तो मैं पैसा लेके इतना एक्टिव हूँ सोचो, तो आप तो पैसा दे रहे हो भाई, आपको तो मेरे से डबल एक्टिव होना चाहिए, तुरंत आपको एकदम एक्टिव होकर देखना चाहिए, लिखना चाहिए। आप पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, मैं तो समय देने का पैसा ले रहा हूँ, आप समय देने का पैसा दे रहे हो सोचो, उसके बाद अगर आप उबासी ले रहे हो, एक्टिव नहीं हो, तो आपने पैसे को और समय को दोनों को बर्बाद कर रहे हो, आप करियर भी खराब कर रहे हो अपना आगे का। थोड़ा सा एक्टिव रहना, समझ में सारी चीजें आएंगी, स्किप कुछ नहीं होगा, एक एक पॉइंट आपके सामने आएगा। आज के लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 2.5 परिमेय क्यों है, 2.3 का बार परिमेय क्यों है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, क्यों अपरिमेय है ये भी समझाऊंगा, क्यों उनको अपरिमेय में रखा गया है। यहां तक बन जाएगा जितना लिखे हैं। देखिए तो परिमेय संख्या की परिभाषा तो समझ में आ गई, p बटा q का रूप, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स जो आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है, परिमेय संख्या के एग्जांपल्स हैं। p बटा q का रूप जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है, इसका मतलब ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय, ये सारी संख्याएं परिमेय, ये सारी संख्याएं परिमेय, ये सारी संख्याएं भी परिमेय। अपरिमेय संख्या को लिखिए,
इसके बाद फिर अपन डेसिमल वाले नंबर्स पे काम करेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिभाषा लिखिए पहले, सामान्य जानकारी जो कि लिखनी है आपको लिखिए। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में निरूपित किया जाता है। दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल लिखिए, बातचीत करेंगे इसमें पूरी अपन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन, रूट इलेवन, ये सब संख्याएं हो जाएंगी अपरिमेय। रूट फोर यहां पर नहीं लिखा है ना, रूट नाइन भी यहां पर नहीं लिखा है, तो रूट फोर और रूट नाइन यहां पर नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन, रूट इलेवन, ये सब हो जाएगा अपरिमेय, इरेशनल। क्यों ये इरेशनल है इस पे बात अभी करेंगे, क्यों इनको पी बटे क्यू में नहीं लिख सकता, ये सारी बातचीत अभी करेंगे अपन। एक सामान्य जानकारी लिखवा रहा हूं, नोट करके लिख लेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू लिखिए, एग्जैक्ट वैल्यू लिखिए पहले, 3.14159, ऐसा चलेगा चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 को भूल जाओ, 22/7 को भूल जाओ, भी 3.14 को भूल जाओ, सारी बातचीत करूंगा भी। ये होता है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159, ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। रूट टू का वैल्यू भी लिख लो, 1.41421356, ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा, 1.41421356, ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। ये लिखवा रहा हूं, 3.14159, ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा, ये पाई का वैल्यू, रूट टू का वैल्यू 1.41421356, ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। साइड में बॉक्स बना के लिखिए, रूट फोर का वैल्यू क्या होता है, 2, समझ आ रहा है, इसीलिए रूट फोर क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय में नहीं आएगा, इसको पी बटे क्यू के रूप में आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना, इसीलिए रूट फोर क्या है, परिमेय संख्या। रूट नाइन का वैल्यू क्या होगा, 3, रूट 16 का वैल्यू क्या होगा, 4, रूट 25 का वैल्यू क्या होगा, 5, रूट 36 का वैल्यू क्या होगा, 6, इन संख्याओं को आप पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसी वजह से ये संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या। इन संख्याओं को आप पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसी वजह से ये संख्याएं हैं परिमेय संख्या। किसी के दिमाग में अगर पाई का वैल्यू 22/7 आ रहा है कि सर पाई का वैल्यू 22/7 हमने पढ़ा है, तो पी बटा क्यू का रूप तो है तो परिमेय होना चाहिए, तो मैं अभी ये बोल रहा हूं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई का ये है 3.14159, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। अगले 20 मिनट में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सामान्य जानकारी इतनी ध्यान रखिए, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख पाओ, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू जीरो ना हो, वो क्या है, परिमेय। जिसको पी बटे क्यू के रूप में ना लिख पाओ, सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखते हो, वो क्या है, अपरिमेय। ये संख्याएं परिमेय क्यों है, क्योंकि इनको पी बटे क्यू के रूप में लिख पा रहा हूं। पाई की कहानी अभी फिलहाल याद रखिए कि पाई क्या है, अपरिमेय, पाई अपरिमेय, इसका वैल्यू 3.14159, ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। बनेगा यहां तक? चलो अब देखना, सारे डाउट्स आपके दूर होंगे, ध्यान से देखना आप।
जिसको p बटे q के रूप में लिख पाऊ वो क्या है परिमेय, जिसको p बटे q के रूप में ना लिख पाऊ वो क्या है अपरिमेय। मोटे मोटे तौर पे आपने ये समझा, जिसको p बटे q के रूप में लिख पाऊ वो परिमेय और जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख पाऊंगा वो अपरिमेय। अब डेसिमल वाले नंबर्स पे बात करते हैं, डेसिमल वाले दशमलव वाली संख्याओं पे बात करेंगे, समझना। कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखिए अपने मन में जो भी आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि यही क्यों लिखे हैं आप, दूसरा क्यों नहीं लिखे हैं। तो मेरे मन में डेसिमल वाले जो नंबर्स आ रहे हैं ये देखिए, जो भी नंबर्स मेरे मन में आ रहे हैं वो नंबर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं डेसिमल वाले, इन सारे नंबर्स में एक सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी क्या है, इन सारे नंबर्स में एक सिमिलैरिटी क्या समझ में आ रही है, क्या दशमलव वाली संख्याएं हैं, ठीक है ये तो, और क्या लग रहा है, इन सारे नंबर्स में एक सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है। चलो इधर एक और नंबर लिखता हूं, अब बताना इन सारे नंबर में सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है। ये देखो चलो, अब इन नंबर्स में और इन नंबर्स में थोड़ा सा कंपेयर करते बनेगा, इन सारे नंबर्स में सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है, इन सारे नंबर्स में सिमिलैरिटी ये है कि ये शांत हो जा रहे हैं, दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जा रहे हैं, समझ आ रहा है, दशमलव के बाद अंक सीमित है इनमें, दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जा रहे हैं, देख पा रहे हैं 2.5 टर्मिनेट हो गया खत्म हो गया, 3.67 टर्मिनेट हो गया खत्म हो गया, मतलब ये सारे दशमलव के बाद शांत हो जा रहे हैं, ये शांत दशमलव हैं, दशमलव के बाद शांत हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो इन सारे नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो इन सारे नंबर्स में सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है, ये सारे नंबर्स दशमलव के बाद शांत हो जा रहे हैं, ये देखिए दशमलव के बाद शांत हो जा रहे हैं, ये देखिए दशमलव के बाद चल रहा है चल रहा है चल रहा है, समझ आ रहा है, तो ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं और ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स, इन सारे नंबर्स को मैं पहला वैरायटी बोल रहा हूँ, फर्स्ट वैरायटी है ये डेसिमल वाले नंबर्स का, ये फर्स्ट वैरायटी है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स जो है वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं, 2.5 बस खत्म, 3.67 बस खत्म, 4.289 बस खत्म। तो डेसिमल के बाद ये सारे नंबर्स टर्मिनेट हो जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं, या ऐसा समझिए दशमलव के बाद सारे नंबर्स में आप देखेंगे तो सीमित अंक है, सीमित मतलब लिमिटेड, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक, इसमें कितना अंक है, दो, इसमें कितना, तीन, इसमें दो, कहने का मतलब दशमलव के बाद सीमित अंक है, दशमलव के बाद लिमिटेड अंक है, इसका मतलब दशमलव के बाद ये कैसे हो जा रहे हैं, शांत टर्मिनेट हो जा रहे हैं। ये पहला वेराइटी, इन सारे नंबर्स को मैं पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इन सारे नंबर्स को पी बटे क्यू में कन्वर्ट, इसी कारण से ये पूरा वैरायटी क्या कहलाएगा, परिमेय। अब कैसे p बटे q में कन्वर्ट करता हूं, तो इतना जानकारी तो होगा, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या लगाते हैं, एक जीरो, और देखो p बटा q का फॉर्म जहां p और q क्या है, पूर्णांक, मतलब परिमेय संख्या हो गया। इन सारे नंबर्स को मैं p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसको क्या लिखूंगा, p बटा q में, एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो, दो अंक के बाद दशमलव तो दो जीरो, इसको क्या लिखूंगा, 4289 बटा कितना, 1000, इसको क्या लिखूंगा, 7829 बटा 1000, इसको क्या लिखूंगा, 921 बटा 100, इसको क्या लिखूंगा, 6125 बटा 100, इसको क्या लिखूंगा, 26738 बटा 100, इसको क्या लिखूंगा, 37 बटा 100, और इसको क्या लिखूंगा, 251 बटा कितना, ये देखो। तो ये जो पहला वैरायटी है डेसिमल वाले नंबर्स का, जिसमें दशमलव के बाद अंक सीमित हैं, लिमिटेड हैं, जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं, इन सारे नंबर्स को मैं p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब ये सारे नंबर्स कैसे हैं, परिमेय संख्या। तो इस वैरायटी के जितने भी नंबर्स आप देखेंगे जिसमें दशमलव के बाद अंक सीमित होंगे, जो टर्मिनेट हो रहे हो, शांत हो रहे हो, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। समझ आया यहां तक, नोट कर लीजिए इसको, यहां तक नोट करना, इधर का नोट मत करना। इन सारे नंबर्स
को आप परिमेय संख्या बोलोगे। इस वैरायटी के जितने भी नंबर्स आपके सामने आएंगे सारे नंबर्स कहलाएंगे रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। समझ आया? इस वैरायटी के जितने भी नंबर्स आप लिखेंगे इतना जानकारी तो होगा ना इसको पी बटे क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नहीं होगा तो वो कैलकुलेशन में सीखेंगे ही आप। कैलकुलेशन में सिखाऊंगा ऐसे नंबर्स को पी बटे क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी इतनी सामान्य जानकारी तो पता ही होगी, एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो, दो अंक के बाद दशमलव है तो दो जीरो, जितने अंक के बाद दशमलव है नीचे उतना जीरो लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो अभी बस ध्यान रखिए कि ये सारे नंबर्स परिमेय संख्या में बैठेंगे क्योंकि इन सबको पी बटे क्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गया यहां तक? बढ़े आगे। चलो अब आते हैं, ये वैरायटी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी लिखिए यहां तक। चलो इसमें आ जाओ, ये देखिए ये कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं, ये देखिए ये कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखिए ये कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं, देखेंगे इसको, ये देखिए ये कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कुछ नंबर्स हैं। ये एक वैरायटी हो गया नंबर्स का, डेसिमल वाले नंबर्स का। एक और वैरायटी लिख रहा हूं मैं, 1.41421356 चल रहा है, 3.14159 चल रहा है, 1.732 चल रहा है। पहले समझ लो, ये तो एकदम सेपरेट हो गया, शांत दशमलव है, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, डेसिमल के बाद अंक सीमित हैं, खत्म हो जा रहे हैं, ये अलग वैरायटी हो गया। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या समझ में आ रही है? इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये भी अशांत है और ये भी क्या है? अशांत है। मतलब ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों ही अशांत है। दोनों में ही इस वैरायटी को देखिए और इस वैरायटी को देखिए, आपको समझ में आएगा कि दोनों में ही डेसिमल के बाद अंक जो है वो अनंत है, असीमित है। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने अंक है? अनंत, कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितने अंक है? अनंत। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों वैरायटी में सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पर भी दशमलव के बाद असीमित अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद असीमित अंक है। जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद अंक असीमित है, ये भी देखेंगे अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद अंक कितने हैं? असीमित, अनंत अंक है, कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ? इन दोनों वैरायटी में डिफरेंस क्या समझ आ रहा है? इन दोनों में डिफरेंस इतना तो कॉमन सेंस लगा लोगे यार। यहाँ पर क्या हो रहा है? डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, देखो यहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, 3 का रिपीटेशन, 6-7 का रिपीटेशन, 2-5-1 का रिपीटेशन, 3-1-2-4 का रिपीटेशन, 2-5 का रिपीटेशन, ये देखिए यहाँ पर 6-7 का रिपीटेशन और यहाँ पर 2 का रिपीटेशन और यहाँ पर किसका रिपीटेशन? 2-4 का। और एक बात समझिए, इन्हीं संख्याओं को बार के रूप में लिखा जाता है। इन संख्याओं को बार के रूप में क्या लिखते हैं आप? इसको क्या लिखेंगे? 2.3 पे बार, दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होता है उसके ऊपर आप बार लगाते हैं, ये देखिए। तो दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होगा, ये देखिए, तो दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होगा उसके ऊपर आप बार लगाते हैं, ये देखिए। तो इस वैरायटी के नंबर्स जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, जो अशांत है, जिसमें दशमलव के बाद अंक असीमित है, कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिपीटेशन के साथ चल रहा है, इसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें 6-7 का, इसमें 2-5-1 का, इसमें 3-1-2-4 का, इसमें 2-5 का, इसमें 6-7 का, इसमें 2 का और इसमें किसका? 2-4 का। इन वैरायटी को आप क्या करेंगे? इस वैरायटी को आप बार के रूप में लिखेंगे। देख सकते हैं 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो मैं क्या लगाया? 3 के ऊपर बार। 6-7 का रिपीटेशन 6-7 के ऊपर बार। 2-5-1 का रिपीटेशन 2-5-1 के ऊपर बार। 3-1-2-4 का रिपीटेशन 3-1-2-4 के ऊपर बार। 2-5 का रिपीटेशन 2-5 के ऊपर बार। 6-7 का रिपीटेशन 6-7 के ऊपर बार। 2 का रिपीटेशन 2 के ऊपर बार। 2-4 का रिपीटेशन 2-4 के ऊपर बार। अब एक बात फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, कैलकुलेशन में सीखेंगे अपन आगे जाके, अभी के लिए याद रखिए कि इस वैरायटी के सारे नंबर्स को भी मैं पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं।
बिल्कुल कर सकता हूँ, कैसे करना है वो आगे जाके सिखाऊंगा। तो इस वैरायटी के सारे नंबर्स को भी मैं पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब इस वैरायटी के सारे नंबर्स भी क्या कहलाएंगे, परिमेय। समझ आ रहा है? तो डेसिमल का जो पहला वैरायटी वो भी परिमेय, ये दूसरा वैरायटी भी क्या है, परिमेय। पी बटे क्यू में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, इसको पी बटे क्यू में क्या लिखेंगे, 7/3 सिखाऊंगा, कैसे ओरली लिख दे रहा हूं मैं। इसको क्या लिखेंगे, 67/99, इसको क्या लिखेंगे, 251/999, इसको क्या लिखेंगे, 3124/9999। सबको पी बटे क्यू में लिख सकता हूं, और जिसको भी पी बटे क्यू में लिख पाऊ वो क्या है, परिमेय है। देखो ना, 7/3 करके देखो, 7/3 करोगे तो यही चीज मिलेगा मेरे को, करके देख लो 7/3, ये देखो करके दिखा रहा हूँ, 7/3 करके देखो तो एक बार, 7/3 का मतलब क्या, 3 से 7 को भाग देंगे, 3 दूनी कितना, 6, 1 बचा, दशमलव का 0 आएगा, 3 त्रिका कितना, 9, फिर से 1 बचा, दशमलव का 0, 3 त्रिका 9, फिर से 1 बचा, दशमलव का 0, 3 त्रिका 9, फिर से 1 बचा। कहने का मतलब 7/3 क्या रहा है, 2.33333, इसी को आप बार के रूप में क्या लिखते हैं, 2.3 का बार। कहने का मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए वो क्या है, परिमेय। तो फर्स्ट वैरायटी को तो आप खुद जानते हैं कैसे लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको आप नहीं जानते हैं अभी, बस ध्यान रखिए कि इस वैरायटी के सारे नंबर्स को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन का पार्ट है, लिखना सिखाऊंगा कैसे p by q के फॉर्म में लिखते हैं। समझ आ रहा है? वो लिखना सिखाऊंगा कैसे p by q के फॉर्म में आप लिखते हैं, वो आगे चलकर कैलकुलेशन का पोर्शन है। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए कि सर इसको तो हम जानते हैं लिखना p by q के फॉर्म में, इस वैरायटी के सारे नंबर्स क्या होंगे, परिमेय। इसको हम जानते नहीं है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि इस वैरायटी के सारे नंबर्स, बार वाले नंबर्स, डेसिमल के बाद रिपीटेशन को पकड़ने वाले नंबर, इन सब को पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब क्या है ये, परिमेय। नोट करिए यहां तक, ये सब का यूज होगा आगे चल के, यही संख्याएं तो प्रश्न के रूप में आएंगी आपके सामने। ठीक है वर्षा, ठीक बोल रहे हैं, प्राप्ति, ठीक समझ आए भाई ऑनलाइन में यहां तक। इसको पी बटा क्यू में कैसे मैं ओरली लिख दे रहा हूं उसको कैलकुलेशन में सिखाऊंगा, अभी केवल संख्याओं की जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को ऑनलाइन में। बाकी लोगों को समझ आया भाई यहां तक, परिमेय और अपरिमेय जितना आपको लगता है उतना नहीं है भाई, बहुत कुछ है परिमेय और अपरिमेय में। तो डेसिमल में पहला वेराइटी आपने देखा, डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट हो जा रहा था, शांत हो जाना था, दशमलव के बाद जिसमें लिमिटेड सीमित अंक थे, उनको तो पी बटे क्यू में आप खुद जानते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये वैरायटी को पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये वैरायटी परिमेय संख्या का है। डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, अशांत का मतलब तो अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन रिपीटेशन के साथ चल रहा है। तो ऐसे वैरायटी के नंबर्स को आप बार के रूप में लिखते हैं, और ऐसे नंबर्स को पी बटा क्यू में बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसको पी बटा क्यू में कन्वर्ट कर पाए वो क्या है, परिमेय। ये भी क्या है, परिमेय। बनेगा यहां तक? अब लास्ट में आते हैं, यही है काम का। चलिए अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बचा है बस। ये सारे नंबर्स आगे जाके आएंगे तो आपको पता तो हो कि नंबर्स कहाँ पे बैठते हैं, क्या होते हैं, सारे नंबर्स पे कैलकुलेशन करना है अपन को। बढ़ू आगे, देख लीजिएगा, आपको ये मिलेगा ही, पूरा पीडीएफ मिलता ही है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर समय हो जा रहा है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। ये मैं किसका वैल्यू लिखा हूँ पता है, रूट टू का। ये किसका वैल्यू लिखा हूँ, पाई का। और ये किसका वैल्यू लिखा हूँ, रूट थ्री का। ध्यान से समझिए, देखो इन नंबर्स में सिमिलैरिटी क्या है, डेसिमल के बाद विदाउट रिपीटेशन चल रहे हैं, विदाउट रिपीटेशन मतलब अलग अलग अंक आते रहेंगे जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगे। सोचो तो थोड़ा इमेजिन करके देखो, अलग अलग अंक आ रहे हैं, और कितने अंक है, अनंत। डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, तो डेसिमल के बाद अशांत है, और अलग अलग अंकों के साथ अशांत है, मतलब 1.41421356 अलग अंक, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग, अलग, ऐसे आते रहेगा, अंक कभी खत्म ही नहीं होंगे। पाई का वैल्यू दिखाऊंगा अभी नेट में आपको, पाई का वैल्यू 22/7 तो दिमाग में, मतलब अभी
पाई का वैल्यू 3.14159, अलग अलग अंक आते रहेंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। 1.732 आगे भी अलग अलग अंक आते रहेंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, ऐसी संख्याओं को मैं कैसे पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर पाऊंगा यार, आगे अलग अलग अंक आ रहे हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो अलग अलग अंक दशमलव के बाद आ रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, अगर खत्म हो जाते तो मैं पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर देता, जितने अंक के बाद दशमलव नीचे उतना जीरो। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो डेसिमल के बाद अलग अलग अंक आ रहे हैं, विदाउट रिपीटेशन चल रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल के बाद विदाउट रिपीटेशन चलेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स को पी बटे क्यू में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया। तो आपको समझ में आ रहा है अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो डेसिमल के बाद विदाउट रिपीटेशन चलेगा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जो डेसिमल के बाद विदाउट रिपीटेशन चलेगा कभी खत्म ही नहीं होगा, कहने का मतलब डेसिमल के बाद जो कभी खत्म ही ना हो और विदाउट रिपीटेशन, ऐसे नंबर्स को पी बटा क्यू, आप खुद सोचो ना कैसे समेट के इनको पी बटा क्यू में कन्वर्ट करूं, समेट ही नहीं सकता, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स चलते रहेंगे कभी खत्म नहीं होंगे। डेसिमल के बाद अनंत अंक हैं और अलग अलग अंक आ रहे हैं, तो इनको समेट के पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर पाना संभव ही नहीं है, और जिसको पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर ना पाऊ वही क्या है। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं वर्गमूल में, ये देखिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, इनका वैल्यू जो आएगा ना वो इसी वैरायटी का आएगा, डेसिमल के बाद कभी खत्म ही नहीं होगा और विदाउट रिपीटेशन चलता रहेगा। तो विदाउट रिपीटेशन जो चलता रहेगा कभी खत्म ही ना हो, ऐसी संख्याओं को मैं पी बटे क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और यही संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। समझ आ रहा है, आप 2 का रूट निकालना सीखोगे बचपन में, याद आ रहा होगा ऐसा कुछ, 2 का वर्गमूल ऐसा कुछ निकालते थे क्या, याद आ रहा है, भाग विधि बोलते हैं इसको, ऐसे पेयर बनाते थे। अरे 9-10 तो पढ़ी हो गया, देखे तो होगे, पूछ नहीं रहा हूं बस कैसे सॉल्व करना है, देखे हो कि नहीं, देखो ये पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ देखे थे भाग विधि, ऐसे करते थे 1 बन जा 1, याद है, यहाँ 1 बचा, यहां से पूरा एक पेयर नीचे आता था, 100 दशमलव लगा दिए, 1 को 1 के नीचे लिख के जोड़े कितना, 2, 2 के आगे 4, 24 चौको कितना 96, कितना बचा 4, फिर यहां से 2 पेयर कहां आता था नीचे, ऐसा कुछ किए हो, तो यहां पर क्या आएगा 1.4142, डेसिमल के बाद आते रहेगा डिजिट, आते रहेगा, क्योंकि कभी शेषफल 0 मिलेगा ही नहीं आपको, कभी शेषफल 0 मिलेगा ही नहीं, इधर और पेयर बढ़ाते जाएंगे आप, इधर और पेयर बढ़ाते जाएंगे, ये आपको ऐसा मिलते रहेगा, कभी शेषफल 0 आएगा ही, कभी नहीं आएगा शेषफल 0। 2 का वर्गमूल निकालना, ऐसे मिलते रहेगा 1.4142135 6, मिलते रहेगा, अलग अलग अंक दशमलव के बाद आते रहेंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब ऐसे नंबर्स को कैसे मैं पी बटे क्यू में कन्वर्ट करूं, पॉसिबल ही नहीं है, जो डेसिमल के बाद विदाउट रिपीटेशन कभी खत्म ही नहीं होगा, इसको पी बटे क्यू में समेटना संभव ही नहीं है, इनको अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसको क्या बोला गया, अपरिमेय। तो ऐसे वैल्यूज किसके मिलेंगे आपको, इनके मिलते हैं, इन नंबर्स के वर्गमूल निकालोगे तो ऐसी वैल्यूज आपको प्राप्त होंगी, और साथ में किसका मिलता है, पाई का, इसीलिए इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसको क्या बोला गया, अपरिमेय संख्या। पाई का वैल्यू सर्च करके देखना, पाई का वैल्यू नेट में सर्च करना, देखना दिखा रहा हूं आपको, पाई का वैल्यू सर्च करो तो क्या मिलता है, आप ये देखिए, देखिए आप 22/7 भूल जाओ, अभी समझाऊंगा 22/7 क्यों लेते हैं आप, पाई का वैल्यू सर्च करो, ये देखो कैलकुलेटर में इतना दिख रहा है 3.14159, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये तो बस लिख दिया यहाँ पे, देखो कोई पेज खोलना आपको दिख जाएगा, पाई का वैल्यू आपको दिख जाएगा, कहीं ना कहीं आपको पाई का वैल्यू दिखेगा, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा कभी खत्म नहीं होगा, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो चलते रहेंगे कभी खत्म ही नहीं होंगे, इसमें है क्या, ये देखो
ऐसा डैश डैश कर दिया है, डॉट डॉट कर दिया है, ये देखो दिख रहा है, देखो दिख पा रहे हैं, देखो वैल्यू ऑफ पाई 3.14159265335 ऐसे आगे बढ़ रहा है, कितने डेसिमल तक है ये 100, आगे और भी रहेगा। अब कैसे बताओ ना मेरे को, ये बताओ कैसे इनको पी बटे क्यू में लिखूंगा, ये शांत नहीं हुआ यहाँ पे, और भी है, ये तो केवल बोला क्या है 100 डेसिमल प्लेसेस तक, एक्चुअल में पाई का वैल्यू 3.14159 ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। देखो ना अलग अलग अंक आ रहे हैं ना, रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अलग अलग अंक आ रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब कैसे ऐसी संख्या को पी बटे क्यू में आप कन्वर्ट कर पाओगे, वैसी संख्या को पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर पाना संभव ही नहीं है, वैसी संख्या को आप क्या बोलेंगे, वैसी संख्या को आप बोलेंगे क्या, अपरिमेय, समझ आ रहा है, बन जाएगा। तो पाई का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 100 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ है, आगे और भी आएगा, आगे और भी चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। डेसिमल के बाद अनंत नंबर, अनंत डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट्स हैं, इनको पी बटा क्यू में समेट पाना संभव ही नहीं है, इसीलिए ऐसी संख्याओं को क्या बोला गया, अपरिमेय, बन जाएगा यहां तक। तो देख सकते हैं अपरिमेय क्यों है, तो अपरिमेय क्यों है ये संख्याएं, इनको लिखवाया मैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये संख्याएं अपरिमेय क्यों है अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं, क्योंकि इनको जब दशमलव में मैं देखूंगा तो डेसिमल के बाद चलते रहेगा विदाउट रिपीटेशन, तो ऐसी संख्याओं को पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर पाना संभव ही नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, अपरिमेय। वर्गमूल 4 को परिमेय क्यों बोला, क्योंकि इसको पी बटे क्यू में लिख सकता हूं, इसीलिए इसको बोला परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में ये संख्याएं आएंगी और साथ में कौन आएगा, पाई आएगा, बन जाएगा यहां तक। तो तीन वेराइटी की संख्याएं बस होती हैं डेसिमल में, एक ये वेराइटी जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, जिसमें दशमलव के बाद अंक लिमिटेड हो, सीमित हो, दूसरा ये वेराइटी और तीसरा ये वेराइटी, ये भी अशांत है और ये भी अशांत है, ये रिपीटेशन के साथ अशांत है और ये विदाउट रिपीटेशन अशांत है, समझ आ रहा है। तो जो विदाउट रिपीटेशन अशांत है वही क्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसको पी बटे क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, बन जाएगा। अब देखो इन्हीं के नामकरण देखते हैं क्या है, देखो इन्हीं के नामकरण देखते हैं, ऑप्शन में नाम रहेंगे तो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं डेसिमल नंबर्स जो हैं, दशमलव वाली संख्याएं, इनके नामकरण देखते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, शांत या फिर बोलते हैं परिमित दशमलव, शांत या उसी को बोलते हैं परिमित दशमलव, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। तो दशमलव वाली संख्याएं दो प्रकार की, शांत या फिर परिमित दशमलव, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल, और दूसरा होता है अशांत, अशांत या इसी को क्या बोलते हैं, अपरिमित दशमलव, अशांत या फिर अपरिमित दशमलव, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। तो दशमलव वाली संख्याएं उनका क्लासिफिकेशन ये है, दशमलव वाली संख्या दो प्रकार की, शांत और अशांत, परिमित या फिर अपरिमित, शांत को ही परिमित, अशांत को ही अपरिमित नाम बोलते हैं, अशांत दो प्रकार का, आवर्ती और अनावर्ती, इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लो, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट, ये दो टाइप का, रेक्यूरिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग, आवर्ती का मतलब रेक्यूरिंग और अनावर्ती का मतलब नॉन रेक्यूरिंग, फटाफट लिखो यार, ऐसे ऑप्शंस में नाम आते हैं, कराऊंगा टेट के प्रश्न बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जहां पे ऐसे नाम लिखे हुए आते हैं। तो शांत और अशांत, अशांत दो टाइप का, आवर्ती और अनावर्ती, बनेगा यहां तक। अब जल्दी से देखो, नोट कर लिया यहां तक,
शांत और अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग या फाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट, इसमें रेक्यूरिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग। अब देखो आप खुद से नाम बताओ मेरे को, इसका नाम क्या दोगे? शांत दशमलव दोगे, तो ये वैरायटी क्या कहलाएगा? शांत। ये वैरायटी होगा शांत दशमलव या फिर परिमित दशमलव, ठीक। ये दोनों ही क्या है? अशांत। ये दोनों ही क्या है? अशांत मतलब अपरिमित। ये दोनों ही क्या है? अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटेशन के साथ अशांत है तो क्या बोलेंगे? आवर्ती। और विदाउट रिपीटेशन अशांत है तो क्या बोलेंगे? खत्म हो गया, समझ आ रहा है? दोनों ही अशांत है। रिपीटेशन के साथ अगर अशांत है तो आवर्ती वाला है, और विदाउट रिपीटेशन अशांत है तो अनावर्ती वाला है। मतलब जितनी अपरिमित संख्या है उनको आप क्या बोल सकते हो? अनावर्ती अशांत। समझ आ रहा है? जितनी अपरिमित संख्या है उनको आप क्या बोल सकते हैं? अनावर्ती अशांत। तो वर्गमूल दो कौन से प्रकार की दशमलव वाली संख्या है? अनावर्ती अशांत। समझ आ रहा है? क्योंकि वर्गमूल दो का वैल्यू दशमलव के बाद चलते रहेगा विदाउट रिपीटेशन। इसका मतलब अशांत, और अशांत में कौन सा? अनावर्ती। ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो शांत समझ में आ गया, अशांत में दो टाइप का, रिपीटेशन के साथ जो चलेगा वो आवर्ती, और विदाउट रिपीटेशन जो चलेगा वो अनावर्ती बन जाएगा। अब कहानी बस पाई की बची, एक मिनट समझ लो उसको। ये सब रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे ही, कुछ अगर छूट जाता है तो घर में पीडीएफ मिलेगा आपको, उसको देख के नोट कर लिया करो, या रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है आपको उसको देख के भी आप नोट कर सकते हैं। कहानी पाई की बची, पाई को थोड़ा समझ लेना। देखो पाई का वैल्यू मैंने क्या बताया? 3.14159। आपने देखा भी, ये देखिए पाई का वैल्यू आपने देखा 3.14159। ये देखिए आगे का वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, डैश डैश कर दिया हूं। तो पाई का वैल्यू मैंने क्या लिखा? 3.14159 ऐसा लिखा। आगे अलग अलग अंक आते रहेंगे जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगे, इसी कारण से इसको पी बटे क्यू में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसी कारण से क्या है ये? अब बचपन से पाई का वैल्यू 22/7 पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा? पाई अलग चीज है और 22/7 अलग चीज है। 22/7 का वैल्यू क्या आता है? 3.14285714285714285 ये आता है 22/7 करने पर। पाई का वैल्यू आप ये देखे नेट में भी प्रूफ के लिए, और 22/7 ये आता है। मैच हो रहा है क्या? दोनों नहीं हो रहा है। 3.14 तक मैच हो रहा है, उसके बाद अलग अलग हो गया है। आप देखो ना, ये 22/7 क्या है? परिमेय। इधर से देखो तो भी परिमेय, इधर से देखो तो भी क्या है? परिमेय। ये देखो रिपीटेशन के साथ चलने वाले नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय। इधर से देखो तो भी आपको समझ में आ रहा है ये परिमेय है, इधर से देखो तो भी समझ में आ रहा है क्या है ये? परिमेय। तो पाई अलग चीज है, पाई क्या है? अपरिमेय। और 22/7 क्या है? परिमेय। लेकिन बचपन से अपन पाई का वैल्यू कितना पढ़ते आ रहे हैं? 22/7 या फिर 3.14। तो ये पाई का जो वैल्यू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये कौन सा वैल्यू है? लगभग। क्यों लगभग है? तो गणित का एक सामान्य सा नियम है कि अगर दशमलव के बाद बहुत सारे अंक अगर आ रहे हैं, दशमलव के बाद अगर बहुत सारे अंक अगर आ रहे हैं तो आपको दशमलव के बाद केवल दो ही अंक उठाने होते हैं। सिंपल सा नियम है गणित में, सिंपल सा नियम है कि दशमलव के बाद बहुत सारे अंक अगर आ रहे हैं तो शुद्धतम रूप दशमलव के बाद दो अंकों तक लिया जाता है। तो दशमलव के बाद दो अंक में पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। और 22/7 भी क्या है? 3.14। इसीलिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई का लगभग मान कितना लेते हैं? 22/7 या 3.14। समझ आ रहा है? बचपन से जो पढ़ाया गया है पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, वो क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि कैलकुलेशन करना है, तो पाई का ये वैल्यू थोड़ी उठा के कैलकुलेशन करोगे यार, सिंपल सी बात है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो पाई का ये वैल्यू उठा के कभी कैलकुलेशन नहीं करोगे आप, सिंपल सी बात है। तो दशमलव के बाद दो अंकों में क्या है? 1.4। और 22/7 करके देखना, दशमलव के बाद दो अंक में क्या मिलेगा? 1.4। इसीलिए पाई का लगभग मान आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? 3.14 या 22/7 लगभग मान है। अगर पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 होता तो पाई को कहां रखना पड़ता? परिमेय संख्या में, लेकिन होता ही नहीं। समझ आया पूरा कहानी? बन जाएगा यहां तक? समझ आई पूरी कहानी?
बता दोगे कौन परी में कौन अपरी में? तो अपरी में लिमिटेड चीजें हैं बस, वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल पांच, वर्गमूल छह, ये सब संख्याएं क्या है अपरी में? साथ में कौन? पाई। क्यों अपरी में? क्योंकि पी बटे क्यू में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इनको जब मैं देखा तो डेसिमल के बाद विदाउट रिपीटेशन चल रही है, कभी खत्म नहीं हो रही है, इसी की वजह से मैं इसको पी बटे क्यू में नहीं लिख सकता। इसी कारण से क्या है परी में, सॉरी अपरी में बन जाएगा। तो कोई पूछे कि वर्गमूल दो अपरी में क्यों है, तो आप बोलेंगे पी बटे क्यू में नहीं लिख सकता। तो आप बोलेंगे क्यों नहीं लिख सकता, इसका कारण भी बता दे रहा हूं। इसका कारण क्या है कि वर्गमूल दो का वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद विदाउट रिपीटेशन चलते रहता है, अलग अलग अंक मिलते रहते हैं, जो कि कभी खत्म ही नहीं होते, जिसकी वजह से इसको पी बटे क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसी की वजह से वर्गमूल दो क्या है अपरिमेय, पाई क्या है अपरिमेय, वर्गमूल तीन क्या है अपरिमेय। समझ आया पूरा कहानी? थोड़ा डीप पढ़ेंगे तब जाके सिलेक्शन का संभावना बनेगा, होगा नहीं, संभावना बनेगा, फिर आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। पी बटे क्यू में कन्वर्ट कर पा रहे हो? देखो अब कैसे कर रहे हो, कैलकुलेशन का पार्ट है, वही तो समझाया, ये सब पी बटे क्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कैसे होंगे वो कैलकुलेशन का पार्ट है, उसको कैलकुलेशन में सिखाऊंगा। 2.3 का बार यह आवर्ती है ना, आवर्ती आसान थे, इसको पी बटे क्यू में 7/3 लिखूंगा। 7/3 लिख के दिखाया था आपको, ये देखो 7/3 लिख के दिखाया था, क्या आया था 2.33333, ये देखो इसका पी बटा क्यू का रूप क्या है 7/3। इन सारी संख्याओं को पी बटा क्यू में लिखना सिखाऊंगा, इन सारी संख्याओं को पी बटा क्यू में लिखा जा सकता है, इसीलिए क्या है ये परिमेय। आगे कैलकुलेशन सिखाऊंगा ना, वो तो मैंने आपको ओरली बता दिया किसको पी बटा क्यू में क्या लिखूंगा 7/3, इसको क्या लिखूंगा 67/99, करके देखना 67/99 यही मिलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। करके देखना 251/999 यही मिलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। करके देखना 3124/9999 यही मिलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। आगे सिखाऊंगा वो कैसे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तरीका होता लिखने का, तो वो कैलकुलेशन का पार्ट है। मैंने बोला अभी विश्वास रखो कि इनको कर सकते हैं पी बटे क्यू में कन्वर्ट, इनको नहीं कर सकते ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है, कैसे करूंगा बताओ ना, विदाउट रिपीटेशन चल रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, पी बटे क्यू में नहीं कर पाऊंगा, बनेगा यहां तक। तो अपरिमेय का ही दूसरा नाम क्या है, अनावर्ती आसान, बन जाएगा। थोड़ा डीप पढ़ोगे तब जाके संभावना बनेगा सिलेक्शन का, उसके बाद आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन में समझ आए भाई यहां तक पूरा? नोट्स प्रॉपर बनाइए, सब बुक में मिलेगा नहीं कुछ, ध्यान रखिएगा बुक में इतना सब मिलेगा नहीं आपको, बस परिमेय संख्या का परिभाषा मिलेगा, अपरिमेय संख्या का परिभाषा मिलेगा, तो प्रॉपर पढ़िए।